नागरिक अभिनंदन समारोह संपन्न। कालादेई पंचायत के भूपातों का बाड़िया में विधायक नागरिक अभिनंदन समारोह का आयोजन हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के सम्मुख दीप प्रज्वलित कर किया। ग्रामीणों ने विधायक रावत का फूलों की माला से स्वागत किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक रावत ने कहा कि 4 वर्ष पूर्व जब मुझे आपने जिम्मेदारी अपने वोट के माध्यम से दी, इस समय शिक्षा, चिकित्सा, सड़क, बिजली, पेयजल और तो और कानून व्यवस्था तक की भी हालत खराब थी, लेकिन 4 वर्षों में प्रदेश की गहलोत सरकार के सानिध्य में मेरे कार्यकाल का हिसाब लगाओ तो लिस्ट काफी लंबी है। 4 वर्षों के कामों की सूची इतनी लंबी है कि हिसाब लगाते लगाते ही आदमी थक जाएगा। तो मैं आपको ईमानदारी से एक बात कहता हूं, माधेश्वरी के इन दिनों में कि मैंने जो काम किया, जो आपने काम बोला उसको भगवान को हाजिर नाजिर बाल मान के बोल रहा हूँ, पूरी ईमानदारी से किया है और पूरी मेहनत से किया है, पूरी कोशिश करी है कि जैसे मेरे घर का काम उस तरह से मैंने किया, घास नहीं काटी मैंने, या किसी को झांसा देने की मेरे मन में हिंसा नहीं थी, झांसा देने की इच्छा होती तो इतने काम नहीं होते, ये इतिहास नहीं बन पाता। इतिहास तभी बनता है जब आपके मन में ईमानदारी होती है। इस अवसर पर समारोह में पूर्व सरपंच मोहन सिंह, गोपाल सिंह, सरपंच ख्याली देवी, जिला कांग्रेस उपाध्यक्ष प्रभु दयाल नागर, लक्ष्मण सिंह, पुष्पेंद्र सिंह, टील सिंह, गफूर मोहम्मद, लाल सिंह सहित कार्यक्रम में बड़ी संख्या में ग्रामीण थे। शहीदों को दी श्रद्धांजलि। अमर शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के शहीद दिवस पर काव्य गोष्ठी मंच राजमंद ने पुष्पांजलि अर्पित की। अध्यक्ष सतीश आचार्य ने बताया कि वरिष्ठ साहित्यकार अफजल खान अफजल की उपस्थिति में शहीदों के चित्र पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए कहा कि वे सौभाग्यशाली होते हैं जो देश पर शहीद होते हैं। इस अवसर पर सूर्य प्रकाश दीक्षित ने आज़ादी के आंदोलन में क्रांतिकारियों के योगदान की चर्चा की और उनकी भूमिका को महत्वपूर्ण बताया। कवि हेमेंद्र सिंह ने अपनी कविता के त्रिमूर्ति को देख देखो वो स्वर्ग खुद पर इतरा रहा। इस अवसर पर शेख अब्दुल हमीद, हेमेंद्र सिंह, गोविंद उदित्य, राजकुमार शर्मा, राहुल दीक्षित, गोपाल शर्मा, गौरव पालीवाल, नरेंद्र सिंह रावल, योगेंद्र यश, प्रकाश जांगीड़, मुकेश शर्मा, राजस्थान शिक्षक संघ संगठन मंत्री विनोद आचार्य, मनोज लोढ़ा, चंद्रशेखर नारलई, उदित शर्मा, विजय शर्मा, लक्ष्मण सिंह सहित कविगण उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन कवि गौरव पालीवाल ने किया। मुझे लगता है कि जब हम किसी बेहतरीन व्यक्तित्व के लिए लिखते हैं तो लाइनें स्वतः ही श्रेष्ठ हो ही जाती है, और ये जो मैंने लिखा वो मैंने उसके पीछे एक लाइन मैंने कहीं सुनी थी कि जो देश के ये हीरो होते हैं, जो देश के वीर होते हैं ना, ये जब स्वर्ग में जाते हैं तो भगवान को भी लगता है कि हमारे हीरो आ गए, हमारे भगवान आ गए। याद करते हुए आज का दिन हम सब लोगों को उनका स्मरण करना चाहिए, क्योंकि दो रास्तों से आज़ादी के आंदोलन के प्रयत्न हो रहे थे कि मतलब जितना वो हमारे ऊपर अत्याचार करें उतना अत्याचार हम करें, तो इन महापुरुषों ने जो अपने साहस का परिचय दिया कि असेंबली में बम डालकर, चाहते तो वहाँ से भाग सकते थे, निकल सकते थे, लेकिन स्वयं को गिरफ्तार करवाया कि अंग्रेज सरकार के सामने ये है कि हम हिंदुस्तान के लोग लड़के भी आज़ादी ले सकते हैं। आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज तीनों को एक साथ फांसी की सजा हो। शहीद दिवस पर भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव को याद किया। अमर शहीद भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव के बलिदान दिवस पर मैराथन ऑफ मेवाड़ दिवेर में पुष्पांजलि कार्यक्रम हुआ। शहीदों को एडवोकेट महेंद्र सिंह, हरीश सालवी, हीरा सिंह, भीमराज सेन ने दीपक जलाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। इसके बाद सभी युवा शक्ति और गाँव के लोगों ने पुष्पांजलि अर्पित की और युवा शक्ति द्वारा भारत माता की जय, भगत सिंह अमर रहे, इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इस अवसर पर कार्यक्रम में एडवोकेट महेंद्र सिंह, हरीश सालवी, हीरा सिंह चौहान, भीमराज सेन, अखिलेश त्रिवेदी, सूरज सिंह, एडवोकेट सागर सिंह, कमल सिंह, पप्पू सिंह, गोविंद सालवी, हरगोविंद सिंह, राजेंद्र सिंह, गोपाल सेन, संजय शर्मा, दिनेश चौहान, विशाल सिंह, उदय घटीक, राहुल मेवाड़ा, दुर्गेश सिंह, नारायण सिंह सहित बड़ी संख्या में युवागण मौजूद थे। केलवा में देर शाम को भव्य आतिशबाजी के साथ हिंदू नववर्ष मनाया। केलवा में स्वामी विवेकानंद युवा मंडल स्वच्छ केलवा हरित केलवा की ओर से हिंदू नववर्ष पर केलवा में सूरज पोल पर रंगोली बनाकर दीप प्रज्वलन कर एवं भव्य आतिशबाजी के साथ हिंदू नववर्ष का भव्य स्वागत किया गया। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम आदि नारों के उद्घोष किया गया।
इस अवसर पर कार्यक्रम में मंडल संरक्षक महेंद्र कोठारी, अध्यक्ष लालूराम सिंदल, जितेंद्र महात्मा, संजय सांवरिया, कमलेश पालीवाल, अनिल पालीवाल, शंभू माली, विपुल चंदेल, हरीश साहू, अशोक माली, मुकेश माली, प्रदीप पालीवाल, पारस सुथार, विष्णु, विपुल खटीक सहित बड़ी संख्या में कार्यक्रम में सदस्यगण मौजूद थे। इस दौरान भव्य आतिशबाजी के दौरान बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद थे, जिन्हें हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं दी गई।